बढ़ते आगे। शिव भक्तों ने एक बार फिर गुंडागर्दी की है और इस बार गुंडागर्दी की गवाह बनी है देश की राजधानी दिल्ली। बीच सड़क पर शिव भक्त कांवड़ियों ने कोहराम मचाया और देखते ही देखते एक कार को कबाड़ में तब्दील कर दिया। कांवड़ियों की इस गुंडागर्दी के तमाशबीनों में आम लोगों से लेकर पुलिसकर्मी तक शामिल थे। शिव भक्त कांवड़ियों का फूटा गुस्सा, दिल्ली में दिन दहाड़े मचाया उत्पात। कार टच होने पर शिव भक्तों ने खोया आपा, आक्रोश में उड़ाए कार के परखच्चे। पुलिस के सामने कांवड़ियों ने की गुंडागर्दी, चंद मिनटों में कार को बनाया कबाड़। कार पर ताबड़तोड़ वार करते भोले के भक्त कांवड़ियों के इस रूप पर विश्वास करना मुश्किल है। ये तस्वीरें देश की राजधानी दिल्ली के मोती नगर इलाके से सामने आई हैं, जहां कांवड़ लेकर आ रहे कांवड़ियों ने मंगलवार को जमकर बवाल मचाया और एक कार में जमकर तोड़फोड़ की। हुआ यूं कि कार एक कांवड़िए को छू गई थी, बस फिर क्या था, आग बबूला हुए कांवड़िए का गुस्सा फूट पड़ा और बेसबॉल के डंडे से कार पर चौतरफा ताबड़तोड़ धोबी वार करने शुरू कर दिए। कांवड़ियों ने उड़ाए कार के परखच्चे। कार पर वार करते कांवड़िए को देख चंद मिनटों में ही कांवड़ियों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर क्या था, कांवड़ियों ने कार पर लाठी डंडे बरसाकर अपनी थकान मिटाई। किसी ने कार के बोनट पर हमला किया तो किसी ने कार की खिड़कियां ही उखाड़ दी। तोड़फोड़ करने के बाद कार को पलटा। कार में तोड़फोड़ करने पर भी कांवड़ियों को सुकून नहीं मिला तो उन्होंने कार पर जोर आजमाइश कर कार को पलट दिया। उत्पात के सामने तमाशबीन बने रहे लोग। कांवड़िए बीच सड़क पर दिन दहाड़े कार में तोड़ फोड़ कर उत्पात मचा रहे थे और लोगों की भीड़ तमाशबीन बनी रही। भरी भीड़ में किसी ने उत्पात मचाते कांवड़ियों को रोकना तो छोड़िए, उनके पास तक जाने की हिम्मत नहीं दिखाई। पुलिस वाले भी बने रहे तमाशबीन। देश की राजधानी दिल्ली में बीच सड़क पर कांवड़ियों के इस बवाल के दौरान पुलिस कर्मी भी चश्मदीद बने रहे। जिन कांधों पर जनता की सुरक्षा का जिम्मा है वो भी गुंडागर्दी पर उतारू कांवड़ियों को काबू करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और पुलिस की मौजूदगी के बावजूद बेखौफ कांवड़ियों ने देखते ही देखते कार के परखच्चे उड़ा दिए। शिव भक्तों ने बीच सड़क पर की गुंडागर्दी। महज कार टच होने पर आक्रोश में आए शिव भक्तों ने चंद मिनटों में ही कार को कबाड़ में तब्दील कर दिया। जरा सोचिए, कार की जगह कोई शख्स होता तो शायद आक्रोशित शिव भक्त उसकी जान ही ले लेते। उसके बाद चाय की दुकान से लेकर अखबारों तक में कांवड़ियों की मॉब लिंचिंग पर चर्चा होती। कार पर कांवड़ियों की गुंडागर्दी और बौने साबित हुए पुलिस कर्मियों की राजधानी दिल्ली से सामने आई इन बोल की तस्वीरों के बावजूद कार सवार की गलती तलाश कर कांवड़ियों का बचाव करने वालों की भी लंबी फेहरिस्त है। हो भी क्यों ना, बात श्रद्धा की जो है, मगर बीच सड़क पर उत्पात मचाने, कार में तोड़फोड़ कर कानून की धज्जियां उड़ाने की इजाजत कांवड़ियों को आखिर कहां से मिलती है? क्यों हर साल कांवड़ियों के लिए कायदे कानून बनाने के बावजूद कांवड़ियों के आक्रोश की ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं? इन सवालों के जवाब तलाशना जरूरी है, सुरक्षा के लिए भी और श्रद्धा के लिए भी। दिल्ली डेस्क, टोटल न्यूज।